हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारू सिद्दीकी, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट। द नेम ऑफ टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, मींस जो वाष्पीकरण की दर होती है, इस वाष्पीकरण की दर को कौन कौन से ऐसे फैक्टर कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हम आप लोगों को जो वीडियो दिखा रहे हैं इसमें फोर फैक्टर्स हैं, लेकिन थ्री फैक्टर्स आपको इसमें टेम्परेचर, ताप, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, विंड स्पीड, वायु गति, ये तीन देख रहे होंगे। एक फैक्टर आपके वीडियो में नहीं है, वो लास्ट आपका सरफेस एरिया। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग किसी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि किसी भी एक लिक्विड की जो वाष्पीकरण की दर होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स यानी कारक पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट आपका फैक्टर है सरफेस एरिया। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. Suppose that, मान लीजिए कि आपका जो surface area है, जो सतह है, अगर आपका surface area बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो rate of evaporation होगी वो ज़्यादा होगी। Example, while putting cloths for drying up, we spread them out. जैसे कि कपड़े को सुखाने के लिए हम लोग खुले में छोड़ देते हैं फैला करके, तो फैलाने से क्या होता है कि उस कपड़े का सरफेस एरिया बड़ा हो जाता है, और जब कपड़े का सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा तो वेपोरेशन की रेट क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो कपड़ा जो होगा जल्दी से आसानी के साथ सूख जाएगा। लेकिन अगर उसी कपड़े को हम ऐसे ही ले जा करके किसी खुली जगह पर रख दें गीले कपड़े को, तो वो कपड़ा आपका जल्दी नहीं सूखेगा। दूसरा फैक्टर आपका है टेम्परेचर, ताप। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर ताप बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इवेपोरेशन की जो रेट है, वाष्पीकरण की जो दर है, वो बढ़ती जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर यानी ताप के बढ़ने पर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस। वो आपके जो मॉलिक्यूल्स के यानी अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। सो दैट द मॉलिक्यूल्स ईजली एस्केप, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स यानी अणु जो होते हैं वो आसानी के साथ आपके उस लिक्विड की सतह से निकल करके बाहर आ जाते हैं। That is why evaporation is faster. इसीलिए वाष्पीकरण की दर ज़्यादा तेज़ होती है on a hot summer day than in winter or a cloudy day. यानी किसी बादल वाले दिन या ठंडक की अपेक्षा गर्मी के दिनों में आपकी evaporation की रेट जो होती वो ज़्यादा होती, क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आपका फैक्टर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि एटमॉस्फेयर में, वातावरण में उपस्थित जो आपकी वायु है, उस वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, कि हमारे चारों ओर उपस्थित जो हवा है उस हवा में वाटर वेपर की जो अमाउंट मात्रा है वो निश्चित नहीं है किसी भी एक निश्चित दिए गए ताप पर। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, मान लीजिए कि हवा में पानी की अमाउंट जो है वो क्या पहले से ज़्यादा है, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस, तो आपकी जो वाष्पीकरण की दर होगी वो कम होगी। दैट इज़ व्हाई क्लॉथ्स ड्राई अप फास्टर ऑन अ ड्राई डे, इसीलिए जो शुष्क दिन होते हैं उस शुष्क दिनों में कपड़े आपके जो होते हैं जल्दी से सूख जाते हैं, और जबकि एटमॉस्फेयर में जब ह्यूमिडिटी में जब आपकी वाटर वेपर ज़्यादा होती है तब आपके कपड़े को सूखने में टाइम ज़्यादा लगता है।
नेक्स्ट फैक्टर है विंड स्पीड, वायु गति। इट इज़ नो दैट क्लाउड्स ड्राइव फास्टर ऑन अ विंडी डे। आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हवा वाला दिन होता है, यानी कि जब दिन में हवा ज़्यादा चलती है, तो ऐसी कंडीशन में कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा जल्दी तेज़ी के साथ सूख जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि विद इंक्रीज इन विंड स्पीड, क्योंकि हवा में तेज़ गति होने के कारण द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। आपके वाटर वेपर यानी जलवाष्प के जो पार्टिकल होते हैं वो हवा के साथ मूव करके यानी कि गति करके दूर चले जाते हैं, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। और आपके उस वातावरण के आसपास वाटर वेपर की जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो कम हो जाती है। दैट इज़ व्हाई, इसीलिए द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज विंड स्पीड। इसीलिए जब विंड स्पीड में मात्रा जब बढ़ती है, यानी कि जब वायु की गति में बढ़ोतरी होती है, तो उसी वायु की गति में बढ़ोतरी होने के साथ साथ जो आपकी वाष्पीकरण की दर होती है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होने लगती है। स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन के 4 फैक्टर बताए हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड विद एग्जांपल। आप लोग इसको अच्छी तरीके से लर्न करिएगा और इसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा। थैंक यू।